सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग चैनल मोनू में। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो मैं आज के वीडियो में बताता हूं कि कैसे आपको एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होगा जो कि दो सेशन में होने वाला है, एक जून में होने वाला है, सेकेंड आपको जुलाई में, जो कि फर्स्ट का सेशन का एग्ज़ाम हो चुका है और सेकेंड का जुलाई का अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एंड हो गया है। तो यदि दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप बिहार इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि बिहार इंजीनियरिंग के सीएससी ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो टॉप कॉलेज है, इसमें मैं टॉप 12 कॉलेज को मैं बात किया हूँ, जो कि टॉप 12 कहने का मतलब है कि जो जिसमें अच्छा खासा जो पढ़ाई होती है, और बिहार का जो कि 12 ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें कि सीएससी ब्रांच का डिमांड रहता है, और आप लोग यदि सीएससी ब्रांच लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वही मैं बात करता हूँ जो कि आपका जेईई के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के बेस पर आपको बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलता हूँ, मैं अब बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सा कॉलेज है और कौन कौन सा ब्रांच है। जैसे मैं ब्रांच तो सीएससी की बात करूँगा, लेकिन आपको कितना परसेंटाइल आएगा, अभी तो उसका रिजल्ट जेईई मेन का फर्स्ट सेशन का नहीं आया है, यदि आता है तो कितना यदि आपको रहेगा मिनिमम, ताकि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये आप जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी यदि डाउट होता है या तो आपका मन में कुछ आता है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, मैं भी एक बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे मैं बात करने वाला हूं जो कि MIT मुजफ्फरपुर का, जो कि IT यहाँ पर ब्रांच है, और IT केवल एक ही जो कि बिहार के एक ही टॉप कॉलेज है जो कि MIT मुजफ्फरपुर, उसी में IT ब्रांच है, जिसका परसेंटाइल जाता है प्रीवियस ईयर या उससे पहले का जो परसेंटाइल था, यदि इतना से इतना के बीच यदि आ जाता है, यानी 85 से लेकर 95 के बीच यदि आपको अप्रॉक्स यदि मिलता है तो आपको MIT मुजफ्फरपुर के IT ब्रांच मिल सकता है। सेकेंड मैं बात करता हूँ BC भागलपुर, जो कि सेकेंड नंबर का कॉलेज है, टॉप कॉलेज, जिसमें कि CSE ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसके लिए आपको जेईई मेन में या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में, यानी जेईई मेन के फर्स्ट वाला सेशन वाला या तो सेकेंड वाला में, यदि दोनों में से यदि इतना आपको परसेंटाइल आता है 84 से लेकर 94, तो आपको BC भागलपुर सेकेंड नंबर कॉलेज आपको मिल जाएगा। थर्ड आता है GC गया, जो कि CSE ब्रांच यहाँ पर भी होता है, और यहाँ के लिए आपको 83 से लेकर 93 यदि आपको इसके अप्रॉक्स यदि आपको प्रिंसिपल आता है तो आपको GC गया का आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर की जो कि टॉप कॉलेज है NC चंडी, जो कि इसका कैंपस और वहाँ का जो बहुत अच्छा लगता है और CSE ब्रांच में सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। यदि आप इससे अच्छा से देख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो NC चंडी के लिए यदि CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको 83 से लेकर 93 यदि परसेंटाइल आता है जेईई मेन में तो आपको एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख सकते हैं BC बख्तियारपुर, यदि BC बख्तियारपुर के CSE ब्रांच लेना चाहते हैं जो कि टॉप कॉलेज है और बिहार पटना के नज़दीक है, तो आपको CSE ब्रांच लेने के लिए 82 से लेकर 92 परसेंटाइल के बीच आदर यदि वेरी करेगा तो आपको BC बख्तियारपुर के आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद आता है DC दरभंगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यदि CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको 80 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच यदि वेरी करेगा तो आपको DC दरभंगा के कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद यदि LNJPTI छपरा के मैं बात करता हूँ, यदि CSE ब्रांच लेना चाहते हैं, और ये मैं जितना भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी में पैकेज यानी कि कैंपस प्लेसमेंट होता है, और इसका सबसे हाइस्ट मैं बताऊँ कि MIT का
30 लाख पर ईयर गया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। और यहाँ से ये जितना मैं 12 बताऊँगा CSE में बहुत अच्छा पैकेज पर, जो कि कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद जो भी आप एडमिशन लीजिएगा तो सबसे पहले आप प्लेसमेंट देखिए उसका कि कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिशन यानी कि काउंसलिंग भी करवाइएगा। और मैं बात कर लेता हूँ काउंसलिंग के लिए, तो मैं पैड काउंसलिंग चलाता हूँ, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही कम फी में मैं काउंसलिंग करता हूँ, जो कि उसका चार्ज मैं रख दिया हूँ। आप लोग यदि कोई इंक्वायरी होगा पूछने का तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हो गया LNJPTI छपरा के, तो बात मैं कर लिया हूँ। अब MCA मोतिहारी, DMCA मोतिहारी में CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको 79 से लेकर 87 यदि परसेंटाइल आता है JEE मेन में तो आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है KC कटिहार में यदि CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो 78 से लेकर 85 के यदि बीच में रैंक वेरी करेगा यानी कि परसेंटाइल JEE मेन का, तो आपको कटिहार का CSE ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है सासाराम, जो कि CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो 76 से लेकर 83 यदि परसेंटाइल आता है तो AC सासाराम का आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा, जो कि सबसे 12 ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है यानी कि कॉलेज है जिसमें कि CSE ब्रांच का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है। तो आप लोग फर्स्ट चॉइस करें इसी कॉलेज को, और जो भी हो, और यदि काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यदि कम इससे रैंक या तो JEE मेन का परसेंटाइल आता है तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा पैड काउंसलिंग के लिए, तो मैं आपको कर दे दूँगा। और ये सब कॉलेज मिल भी सकता है। और VC बेगूसराय के CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो 75 से लेकर 82 यदि परसेंटाइल आता है JEE मेन में तो आपको यहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा। और लास्ट आता है SIT सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी में यदि CSE ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको परसेंटाइल 72 से 80 परसेंटाइल के बीच यदि परसेंटाइल वेरी करेगा तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इतना था इंजीनियरिंग कॉलेज और जिसमें कि CSE ब्रांच का इसका JEE में परसेंटाइल यदि रहता है तो आपको ये सब कॉलेज मिलने का चांस है। और कोई भी यदि डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और कोई भी और ब्रांच के लिए यदि चाहते हैं कि कितना परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और पैड काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए पैड काउंसलिंग में। तो चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये वेबसाइट है तो वेबसाइट पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।